कर रहा है। यहाँ पर करंट लेवल्स देखते हुए दोनों स्टॉक में कोई ट्रेड बनता है या फिर एग्जिस्टिंग पोजिशन पर कुछ प्ले आउट किया जाना चाहिए? देखिए दोनों ही स्टॉक्स में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है और कंपैरेटिवली यस मोमेंटम ज्यादा फेवर में बजाज फाइनेंस के, काफी स्ट्रॉन्ग रीबाउंड देखने को मिला है पोस्ट नंबर्स। बट अगर एक फ्रेश पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करेंगे तो मेरे को लगता है कि बजाज फिनसर्व ये ज्यादा बेटर कैंडिडेट है, बिकॉज यहाँ पे पिछले जो कंसोलिडेशन रेंज का नेकलाइन था वहां पे आप आके आप कंसोलिडेट कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, तो यहाँ पे अभी तक वो मूव नहीं आई है जो कि बजाज फाइनेंस में ऑलरेडी अनफोल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे 1700 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं 1825 से लेकर 1850 तक की पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, 1850 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आईटीसी के नंबर्स